जिला कांगड़ा के अंतर्गत नोरी निवासी व टैक्सी चालक अश्विनी के हत्याकांड के 14 दिन बीत जाने के बावजूद भी मामले में कोई भी कार्रवाई ना होने को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। नोरी पंचायत के प्रधान विजय कुमार व आजाद टैक्सी यूनियन की अगुवाई में पपरोला बैजनाथ बाजार में सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर पुलिस व स्थानीय नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने उपमंडला अधिकारी नाग बैजनाथ छवि नांटा को ज्ञापन सौंपा व मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट किया कि अगर 10 दिनों के भीतर इस हत्याकांड को सुलझाया ना गया तो ग्रामीण पपरोला या चौबीन चौक पर चक्का जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आजाद टैक्सी यूनियन के प्रधान सतपाल ने कहा कि टैक्सी चालक सरकार को टैक्स अदा करते हैं, लेकिन सरकार को चालकों की सुरक्षा का जिम्मा भी लेना चाहिए, अन्यथा बाहरी राज्यों में टैक्सी चलाना मुश्किल हो जाएगा। बैजनाथ के डीएसपी प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि बैजनाथ पुलिस रानीताल व हरिपुर पुलिस के संपर्क में है, वह हम उनकी मदद भी कर रहे हैं। इस मामले की तारें बाहरी राज्यों से जुड़ी प्रतीत हो रही हैं, वह जल्द ही इस मामले का जल्द पटाक्षेप होगा। डीएसपी देहरा रणधीर सिंह ने बताया कि पुलिस हर पहलू को गहनता से छानबीन कर रही है। इस मामले को लेकर कई लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है व चंडीगढ़ व दिल्ली में भी पुलिस टीम दबिश दे चुकी है। टैक्सी यूनियन प्रधान, टैक्सी यूनियन के सभी ड्राइवर चालक जो भी हैं वो यहाँ पर आए हैं। हम जो है वो इसमें रोड शो में भाग ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी अगर अश्विनी कुमार के कातिल को पकड़ा नहीं गया तो हम जो है वो 10 दिन का टाइम देते हैं। हम जो है वो छबीन चौक या बैजनाथ में कहीं भी चक्का जाम करेंगे। जो खत्म हो गया है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जैसे कि हम टैक्सी वाले गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जो इनके बनाए हुए कानून हैं उनको फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी हम सुरक्षित नहीं हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये हमारे को इसका मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बस यही हमारी सरकार से मांग है। ये जो नोरा के जो टैक्सी ड्राइवर की जो रानीताल में हत्या हुई है उसमें रानीताल पुलिस जो है देहरा सब डिवीजन के अंदर है और हरिपुर थाने के अंदर जो है इसमें 302 में केस दर्ज हुआ है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, वहाँ पुलिस जो है इसमें सारी सीसीटीवी फुटेज संकाली हुई है और यहाँ बैजनाथ पुलिस भी जो है उनको असिस्ट कर रही है यहाँ से। एक्चुअल में केस वहाँ दर्ज है तो मेन रोड उनका है और हम पूरी तरह से असिस्ट कर रहे हैं। उसमें जो भी आगे अभी कुछ हमें क्लू मिलेंगे तो वो पब्लिकली तौर पर जो सामने आ जाएंगे। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, काफ़ी पेचीदा मामला है। पूरी तरह से इसमें सारे से तर्क एस पी साहब से भी ऊपर से जो डायरेक्शन आ रही है उस पर आगे पुलिस बढ़ रही है। कर दी थी जो कि टैक्सी ड्राइवर है, आज 14 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और इससे पहले भी यहाँ पर पुलिस का एक जो आज से 6-7 साल पहले जो यहाँ चुबीन चौक पर एक कत्ल हुआ था उस केस पर पुलिस ने 36 घंटे में जो कार्रवाई करके उन मुजरिमों को हिरासत में लिया था। और आज 14 दिन बीत जाने के बाद भी एक टैक्सी ड्राइवर जो कि अश्विनी कुमार है उसका आज तक कोई भी गुनहगार या कोई जिसने मर्डर किया वो आज तक पकड़ा नहीं गया है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।